एक ताजर के पास एक तोता था जो खुश आवाज और बहुत खूबसूरत था। एक मर्तबा ताजर ने हिंदुस्तान की तरफ अपने सफर का आगाज किया और शफकत के तौर पर अपने गुलामों और कनीजों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से क्या चीजें लाऊं। इसी तरह तोते से दरियाफ्त किया कि हिंदुस्तान की सरजमीन से तुम्हारे लिए क्या लाऊं और तुम्हारा पैगाम क्या है। तोते ने कहा कि हिंदुस्तान में जब किसी बाजार और सब्जाजार से गुजरना और तोतों का कोई ग्रोह नजर आए तो मेरा सलाम कहना और यह पैगाम दे देना कि क्या तुम लोगों के लिए यह बात मुनासिब है कि मैं तुम्हारे लिए तड़पता रहूं और तुम्हारी मुलाकात के शौक में इसी तरह तड़प तड़प कर जहां बहक हो जाऊं। और यह भी कहना कि ये कब तुम्हारे लिए मुनासिब है कि मैं सख्त कैद में रहूं और तुम सब बागों में आजाद रहो। दोस्तों की याद दोस्तों के लिए नहायत मुबारक होती है। ताजर ने अपने पिंजरे में बंद तोते की तरफ से जब हिंदुस्तान के तोतों के एक ग्रोह को ये पैगामात सुनाए तो तोतों ने भी अपना सलाम उसको पेश किया। मगर एक तोते ने इस चमन में जब ये पैगाम सुना तो उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और शाख से कांपता हुआ जमीन पर गिर गया और बिल्कुल मुर्दा सा हो गया। ताजर इस पैगाम रसानी से परेशान हुआ, ये खाम खास गरीब की जान गई, न कहता तो अच्छा था। जब ताजर तिजारत से फारिग होकर अपने घर वापस आया तो अपने गुलामों और कनीजों को इनामात तकसीम किए। तोते ने इससे कहा कि हिंदुस्तान के जंगलात के तोतों ने मुझे क्या पैगाम भेजा है, जो कुछ सुना हो या देखा हो मुझे बताओ। ताजर ने कहा कि इन तोतों में से एक तोते पर तेरे पैगाम का बहुत शदीद असर हुआ, हत्ता के गम की ताब न ला सकने से इसका पिता फट गया और वो कांपता हुआ मर गया। जब इस तोते ने उस तोते का ये फेल सुना कि उसने क्या किया, ये भी उसी तरह कांपता हुआ गिर गया और ठंडा हो गया। ताजर ये माजरा देखकर रोने लगा कि हाय ये क्या हो गया। ताजर ने कहा, हाय अफसोस ए खुश आवाज परिंदे, हाय अफसोस मेरे साथी और मेरे हमराज। इसके बाद ताजर ने समझ लिया कि मेरा तोता सदमे से मर गया है। ताजर ने जब पिंजरे से निकाल कर तोते को बाहर डाल दिया तो वो तोता फौरन उड़कर ऊंची शाख पर जा बैठा। ताजर ने ऊपर मुंह किया और पूछा कि ये क्या माजरा है, कुछ मुझसे भी तो बयान कर। तोते ने जवाब दिया कि इस तोते ने मुझे अपने अमल से खुद को मुर्दा बनाकर यह सबक दिया था कि तेरी आज़ादी और रिहाई की यही सूरत है कि तू मुर्दा हो जा। इसके बाद तोते ने सलाम किया और ताजर से अलविदा हुआ। चुनाचे रुखसत होते हुए तोते ने कहा, ए मेरे सरदार, मैंने अपने वतन यानी बागात का रुख किया, अब तुझसे रुखसत होता हूँ और अल्लाह करे तू भी मेरी तरह नफ्स की जंजीर और कैदो बंद से आजाद हो जाए ताकि तू भी कुर्बे इलाही के बाग में सैर करे। ताजर ने कहा, फी अमानिल्लाह, ए तोते अपने वतन चले जाओ, मगर तूने मुझे भी आजादी की राह नो दिखा दी। ताजर ने दिल में सोचा कि मेरी जान क्या तोते से भी कमतर है कि दुनिया के कैद खाने और ख्वाहिशात नफ्स की गुलामी की जंजीर में गिरफ्तार रहे और अल्लाह ताला के बागे कुर्ब की सैर से महरूम। बस जान तो ऐसी ही होनी चाहिए जो अपने असल चमन की तरफ उड़ जाए और कैद से रिहा हो जाए। नाजरीन, मौलाना रूमी रहिमहुल्ला इस वाक़े से ये सबक हमें देते हैं कि पिंजरे से इस तोते को रिहाई खुश आवाजी, बुलंद आवाजी और अनानियत से नहीं मिली बल्कि अपने आप को मिटाने और फना करने से मिली। लिहाजा इसी तरह जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और जन्नत का तलबगार अपनी रूह के परिंदे को नफ्स व शैतान के पिंजरे से आज़ाद कराना चाहे, उसको चाहिए कि फना होना सीखे और तकब्बुर और खुद पसंदी छोड़कर आजजी और इनकिसारी इख्तियार करे। मिटने और आजजी व इनकिसारी का तरीका इस अल्लाह वाले से सीखे जो खुद अपने को अल्लाह ताला की अजमत के सामने मिटा चुका हो।
क्योंकि जो खुद नफ्सो शैतान का कैदी हो वो दूसरे कैदी को रिहा नहीं करा सकता, और अल्लाह वाले नफ्स की कैदोबंद से आज़ाद हो गए हैं। इन्हीं की सोबत से दूसरे कैदी रिहाई पा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की सैर के लिए जहन्नम से रिहाई पा सकते हैं। सल्लल्लाहु